हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लेके आए हैं जो बहुत ही कम वक्त में यहाँ पे शेयर ने गजब का रिटर्न बना के दिया हुआ है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है इसका, अगर हम आज के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ये जो निकल के आ रहा है वो है 10 रुपये का। लेकिन अगर इसका रियल वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो वो 200 से ज़्यादा की आती है। फ्रेंड्स, ये शेयर गजब का रिटर्न देने वाला है। इतना छोटा होने के बावजूद ये शेयर जो है लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड से मालामाल कर रहा है। और इसी के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट, बोनस जैसे सभी मतलब यहाँ से फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी जो आपको आगे आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देने में आपको हेल्प कर सकते हैं। कंपनी का नाम आपको वीडियो के इसके बीच में कभी भी आपको पता चल जाएगा, तो बिना स्किप किए प्लीज़ देखते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो फिलहाल 10 रुपये का चल रहा है। और ये शेयर ने जो है बहुत ही कम वक्त में यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वक्त पहले शेयर ने जो है यहाँ पे मतलब अपसाइड में देखने को मिल रहा था इसका ट्रेंड, और अभी फिलहाल यहाँ पे जो है करेक्शन हो रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे गिरावट तो फिलहाल पूरे ओवरऑल मार्केट में चल रही है, तो हम यहाँ पे मतलब ये शेयर में हो रही है ऐसा तो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ये शेयर में जो है प्रमोटर यहाँ पे अपनी होल्डिंग का थोड़ा थोड़ा करते करते इंक्रीज़ कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आपको यहाँ से जो है मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसे शेयर में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म बेसिस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप आते हैं 5% 10% के लिए तो आपको यहाँ से जो है ज़्यादा कुछ मतलब आप अर्न नहीं कर सकते। 5% 50% या 100% में आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको मिनिमम या अगर यहाँ मार्केट में टिके रहना है, मार्केट से कुछ पैसा कमाना ही है, तो आपका जो मन दिल में होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 1000% या फिर 2000%। बिलीव मी फ्रेंड्स, यहाँ पे लोगों ने लाखों परसेंट का रिटर्न कमाया हुआ है। और कुछ कुछ लोगों को तो शेयर मार्केट हर साल में 3 से 4 बार करोड़ों रुपये का डिविडेंड देता है, वो भी सिर्फ 10,000-20,000 रुपये जैसी मामूलिया इन्वेस्टमेंट पे। तो आपको यहाँ पे जो है पेशेंस रखना है, आपको यहाँ पे टाइम देना है और पेशेंस रखना है, आपका पैसा यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होके आपको मिलता रहेगा। और अगर आप शेयर मार्केट के साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक से भी पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से पेड मोनेटाइजेशन सर्विस ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा फुली ऑर्गेनिक जो है वॉच टाइम सब्सक्राइबर और व्यूज़ मिलेगा जो फुली नॉन ड्रॉप रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कंपनी के मतलब क्या काम करती है और कैसे कैसे यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट हो सकता है आने वाले वक्त में। फ्रेंड्स, कंपनी FMCG सेक्टर में डीलिंग करती है और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी में भी है। और ये FMCG के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और NBFC सेक्टर में अभी जस्ट एंट्री ले रही है। और न्यूज़ निकल के आ रही है कि कंपनी जो है NBFC सेक्टर में भी अपना यहाँ पे जो है लक आजमाने की कोशिश कर रही है। कंपनी अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है 1003 करोड़ रुपीज़ का, और इसी के साथ करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। 52 वीक हाई की अगर हम बात करेंगे तो आज की डे रेट यहाँ पे जो आज का करंट प्राइस चल रहा है उससे डबल ही है, यानी ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के आसपास का या इसका 52 वीक हाई है। और 52 वीक लो के आसपास ही ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ का इसका 52 वीक लो है। स्टॉक भी यहाँ पे शानदार है, 20 रुपये का है, फेयर इनफ है, आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बुक वैल्यू जो है 1.23 रुपीज़ की है। डिविडेंड कंपनी 0.03% का यहाँ पे देती है, मतलब कुछ ना मिलने से इतना तो मिल रहा है ना 10 रुपये पे, और क्या चाहिए आपको। और ROC ROE दोनों के दोनों यहाँ पे प्लस में है, अबाउट 30% है, ये बेस्ट बात है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है। प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% की है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं डेप कंपनी के ऊपर 41 करोड़ रुपीज़ का है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि शानदार यहाँ पे रिजर्व भी मौजूद है। कंपनी का अगर डेप टू इक्विटी अगर हम चेक करेंगे तो 0.33% की निकल के आ रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, इंडस्ट्री भी सबके सब मतलब पूरे छप्पर फाड़ है, पॉजिटिव में है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेप्थ कंपनी के ऊपर क्यों होता है, क्योंकि कंपनियां जो है गवर्नमेंट को टैक्स देती रहती है, और अगर आपकी कंपनी के ऊपर डेप्थ है ऐसा आप अगर शो करते हैं तो इसमें से जो है आपको छूट मिलती है, आप यहाँ पे टैक्स में थोड़ा सा मतलब आपके पैसे बचा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंपनियों को जो है डेप्थ यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपनी ने वही किया है, कंपनी जब चाहे तो अपने आपको डेप्थ फ्री कर सकती है। और कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इस बार बहुत ही शानदार आया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो है रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा, जैसे ही यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लोड हो रहा है वो, तो होने के बाद जैसे आपको दिखाया जाएगा आगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम मैक्स पे सेट करके देखेंगे तो यहाँ पे अचानक वॉल्यूम में बहुत ही बड़ी यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है हमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम से मतलब मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है इसके अंदर, इस शेयर में।
और ये शेयर जो है आने वाले वक्त में यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। आप हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम डे टू डे लाइफ में यहाँ पे जो डे टू डे मार्केट का यहाँ पे जो चल रहा है ट्रेंड में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमें ऐसे ही शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो प्रोज यहाँ पे भरे पड़े हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, डेप्थ अपना रिड्यूस कर रही है, अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड था, अच्छा क्वार्टर आ चुका है, और इसी के साथ साथ जो है कंपनी ने पिछले 5 सालों में हेल्दी डिविडेंड दिया हुआ है और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी रही है। और स्टॉक ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा, इसके कॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक जो है बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ये पोजिशन पर शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम नीचे आएंगे तो FMCG सेक्टर की कंपनी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, ये कंपनी का जो कंपटीशन निकल के आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का कंपटीशन जो है वरुण बेवरेजेस, हटसन और बिकाजी फूड्स, KRBL, इनके जैसे मतलब यहाँ पे नामचीन कंपनियों के साथ ये कंपनी जो है टफ़ कंपटीशन देती हुई नज़र आ रही है। और ये कंपनियों का जो इनका मतलब डिविडेंड वगैरह देने की जो कैपेसिटी है उनसे बेहतर तरीके का डिविडेंड ये कंपनी दे रही है इतना छोटा प्राइस होने के बावजूद। और ये कंपनी जो आने वाले वक्त में आपको बहुत ही मल्टीपल रिटर्न दे सकती है अगर आप इसे पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कंपनी के नाम की अगर हम बात करें, कंपनी का नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड और ये कंपनी जो है FMCG सेक्टर में से बिलोंग करती है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है 2015 जनवरी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पे ये कंपनी जो है सीमेंट सेक्टर में भी काम करती है और अभी NBFC सेक्टर में भी अपना लक आजमा रही है और एग्रो प्रोडक्ट्स और इसी के साथ साथ जैसे कि यहाँ पे मतलब राइस, वीट, अदर फूड ग्रेन्स और ब्रांडेड बासमती राइस, ये सभी सेक्टर में कंपनी जो है काम करती है। और यहाँ पे कंपनी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा आता है रेवेन्यू का वो इसी चीज़ों से आता है। और अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो अभी हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी जो है लगातार यहाँ पे सेल्स अपनी इंक्रीज़ करते हुए जा रही है और इसी के साथ साथ यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी जो है शानदार एक परफॉर्म करते हुए अग्रेसिवली अपना प्रॉफिट को जनरेट कर रही है। OPM भी इसका यहाँ पे जो है शानदार 14% का निकल के आ रहा है। वही कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका OPM जो है वो 14% से ज़्यादा मतलब 10% से ज़्यादा हो। और इस कंपनी ने जो है अपना मतलब एक साल दो साल से अपना जो इसका OPM है परसेंटेज है वो 10% से अबव ही रखा है, उससे कम में नहीं है। तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा रिस्क लेके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो शानदार यहाँ पे इसके आंकड़े निकल के आ रहे हैं। और अगर हम नीचे आएंगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने जो है बेहतरीन झंडे गाड़े हैं और आने वाले वक्त में यहाँ से जो है एक शानदार आपको रेवेन्यू मिलता हुआ, आपको आपका जो है अर्निंग जनरेट होता हुआ यहाँ से देखने को मिलेगा, प्रॉफिट आपको बेहतरीन मिलता हुआ नज़र आएगा। क्या मतलब छप्पर फाड़ यहाँ पे गज़ब का निकाल के दे रही है कंपनी। या अगर हम इसका जो OPM आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे 13% का एवरेज निकल के आ रहा है, मतलब गज़ब की है, यहाँ पे शानदार है। और ये कंपनी जो है यहाँ पे बेहतरीन निकाल के दे रही है आपको, आप बस लेते रहिए। और सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, हर एक सेक्टर में देखिए आपको सारे के सारे पॉइंट जो है पॉजिटिव में ही नज़र आएंगे, आपको कोई भी मतलब पॉइंट जो है निगेटिव में नज़र नहीं आएगा। रिजर्व की बात करेंगे तो इसका रिजर्व जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है अपना रिजर्व कम किया हुआ है और यहाँ पे जो है उन्होंने अपना यहाँ पे रिजर्व कम करके डेप्थ भी कम किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेप्थ भी कंपनी ने यहाँ पे पहले जो है रिजर्व कंपनी के पास 51 करोड़ रुपीज़ का था और अभी 23 करोड़ रुपीज़ का हो गया। कंपनी का पहला जो डेप्थ था वो 54 करोड़ रुपीज़ का था, उसे कंपनी ने कम करके यहाँ पे 41 करोड़ कर दिया और उसके बाद अभी भी उतना ही है और आने वाले वक्त में ये भी और मतलब कम होता रहेगा। तो यहाँ पे हम मतलब देख सकते हैं कि कंपनी सारे पैरामीटर्स जो है पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। और अगर हम इसके जो डेप्थ की बात करेंगे तो कंपनी के ऊपर डेप्थ ना के बराबर है 33 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी अपना यहाँ जो हिसाब से आगे बढ़ रही है वो आने वाले वक्त में ही अपना जो डेप्थ है वो कभी भी क्लियर कर सकती है और मतलब इजीली क्लियर कर सकती है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डेप्थ है। तो आप ऐसे शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतरीन रिटर्न अर्न कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग में 49.28% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है और पहले कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 49.28% की थी और अभी यहाँ पे जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है 49.77% की, यानी ऑलमोस्ट 50% की हिस्सेदारी यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने 0.50% की हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी यहाँ पे बढ़ाई हुई है। और ये जो माल खरीदा गया है ये पब्लिक के पास से ही खरीदा गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अभी यहाँ पे जो है नए नए इन्वेस्टर्स भी मतलब अप्रोच कर रही है कंपनी
ताकि कंपनी के जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो सके शेयर प्राइस को, और यहाँ पे जो नए नए इन्वेस्टर्स और LIC म्यूचुअल फंड वालों को भी कंपनी जो है यहाँ पे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। तो आप भी ऐसे शेयर में जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। अगर आप में पेशेंस है और आपके पास टाइम है तो आप इस शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।